नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 7i वर्सेस Xiaomi Redmi 9 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 7i में 6.46 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 7i से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 7i में 2.97 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 7i में 0.33 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 7i से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 7i में 188 ग्राम्स जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 7i से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme 7i में 20:9 जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 7i में 6.5 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 7i में 720x1600 और Xiaomi Redmi 9 Power में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 7i में 82.33% जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 83.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 7i में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 7i में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 9 Power की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ सीएम एरिया देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 7i में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 9 Power की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 7i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Xiaomi Redmi 9 Power में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 11 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 7i में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 7i में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 7i में अप टू 256GB जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Realme 7i में 5000 mAh जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme 7i में 2 कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो Realme 7i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 9 Power की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 7i में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9 Power की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 7i आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 7 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7i है जो कि 13,525 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।